हेलो दोस्तों, एक्सप्लेन विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अलाइस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 की कहानी को। दोस्तों हमने इस सीरीज से जुड़े हुए पिछले एपिसोड को एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको यह एपिसोड अच्छे तरीके से समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर देखना चाहिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हुआ था। आरिशु अगुनी को देखकर बहुत हैरान है कि वह अभी भी जिंदा है। अगुनी यहाँ पर आरिशु को बोल रहा है कि हमें हुकुम के बादशाह को खत्म करना होगा, तभी हम यह गेम जीत सकते हैं। अगुनी के पास हथियार और बॉम्ब होते हैं। अगुनी बताता है कि यह गेम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। साथ ही वह आरिशु से पूछता है कि तुम किसके लिए जी रहे हो, क्या उस लड़की के लिए जी रहे हो। तब आरिशु क्यूमा की एक बात बताता है, जब क्यूमा ने मरने से पहले आरिशु से कहा था कि जीने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती, यहीं पर एक लड़की होती है जिसका एक पैर नहीं होता, इस लड़की का नाम अकेन हेया होता है। बाद में हमें इस लड़की के पास्ट को दिखाया जाता है जहां यह एक हाई स्कूल की गर्ल होती है। अकेन के आगे पीछे लड़के घूमते रहते हैं लेकिन अकेन किसी को भाव नहीं देती। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है तभी वहीं पर आतिशबाजी होती है और इसी आतिशबाजी के जरिए उसने एक गेम में एंटर किया था जहाँ पर गेम के रूल सिंपल होते हैं कि आप पर उबला हुआ पानी फेंका जाएगा, आपको उससे बचना है। और तभी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं जिनसे उबला हुआ पानी बाहर निकलता है। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग नीचे गिर जाती हैं और इसी बिल्डिंग के नीचे अकेन दब जाती है और उसके पैर में भी एक सरिया चला जाता है। वह इस सरिये को तो किसी तरह निकाल लेती है और अपने पैर पर पट्टी बांधकर वह एक क्लिनिक में जाती है जहाँ एक डॉक्टर होता है जो अभी भी जिंदा होता है। वह अकेन के पैर को काट देता है। अकेन को तब तक केवल यह सपना ही लगता था। वहीं प्रेजेंट में अगुनी एक जगह बैठा होता है, उसके सामने टोपी वाला आता है। टोपी वाला पिछले सीजन में मारा जा चुका है क्योंकि यह बीच का मालिक हुआ करता था और वह अगुनी से बोलता है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुमने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया। पिछले सीजन में अगुनी ने वीचर वाले गेम में बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया ताकि वह वीचर को ढूंढ सके। यहाँ पर सुबह हो जाती है, आरिशु को भी होश आ जाता है। आरिशु के पास अकेन होती है। काफी टाइम से अकेन यहाँ पर अकेली रह रही है, इसलिए वह आरिशु को बोलती है कि तुम मेरे टाइप के हो, हम दोनों को कुछ करना चाहिए। और अकेन आरिशु के साथ जबरदस्ती करने लगती है लेकिन तभी वहीं पर अगुनी आ जाता है और बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उस नकाब वाले आदमी ने हमारी लोकेशन का पता लगा लिया। हमें उसे किसी तरह से पहाड़ों पर ले जाना होगा ताकि हम उसे मार सकें। इसलिए ये तीनों घने जंगलों की तरफ चले जाते हैं। अकेन यहाँ पर आरिशु से बोलती है कि वीजा खत्म होने से पहले हम अपने आप को बचा लेंगे, हम बाकी लोगों की तरफ अपनी जान नहीं गंवाएंगे। वहीं हम उसैगी को देखते हैं जो जंगलों से निकलकर अब घरों की तरफ आ चुकी है जहाँ वह खाना ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहीं पर एक छोटा लड़का और वहाँ पर एक लड़की आती है। इस छोटे लड़के के माँ बाप मारे जा चुके हैं। यह लड़की उसैगी को खाना देती है। वहीं हम एन को देखते हैं जिसके पास मैप और कंपास होता है। वह भी जंगलों के अंदर चली जा रही है और ऐसा लगता है वह टोक्यो शहर से बाहर जा रही हो। अगुनी, आरिशु और अकेन भी एक जगह पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि उसे फंसाने के लिए यह जगह काफी है, हम हुकुम के बादशाह को यहाँ लाकर मार सकते हैं। रात को ये तीनों अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं। तभी यहीं पर हुकुम का बादशाह आता है जो आरिशु को निशाना लगाने ही वाला होता है। लेकिन तभी अगुनी पीछे से उस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है। लेकिन इस नकाबपोश वाले हुकुम के बादशाह का कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। और यह हुकुम का बादशाह अगुनी पर भी गोलियां चलाता है लेकिन इसी लड़ाई के दौरान आरिशु नदी में गिर जाता है। अगुनी को पता चल जाता है कि हम इससे अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अकेन और अगुनी एक जगह छुप जाते हैं और हुकुम का बादशाह वहां से चला जाता है। अगले दिन आरिशु भी नदी में बहता हुआ किनारे पर आ जाता है। आरिशु को बहुत ज्यादा भूख लगी है इसलिए वह शहर में आता है ताकि खाना ढूंढ सके, लेकिन उसे खाना कहीं पर भी नहीं मिलता। आरिशु एक ऐसी जगह पर भी जाता है जहां पर लोगों ने अभी अभी फेस कार्ड वाला गेम जीता है। वहां पर उसैगी को ढूंढता है लेकिन उसैगी कहीं पर भी नहीं मिलती। आरिशु यहाँ के शहर की हालत देखता है, यह शहर बिल्कुल खत्म हो चुका है, जैसे तो कई साल बीत चुके हों उन्हें यहाँ गेम खेलते खेलते। उधर क्वेना भी फेस कार्ड के लिए गेम को खेल रही है जहाँ पर वह अकेले ही बहुत सारे लड़कों से लड़ाई कर रही है, लेकिन इसी बीच वह जख्मी भी हो जाती है। एन भी जंगलों से निकलकर पहाड़ों के बीच आ जाती है जहाँ पर उसकी आंखों के सामने पहाड़ ही पहाड़ होते हैं। उसैगी भी उस छोटे लड़के को एक गेम में ले आती है ताकि उसका वीजा एक्सपायर ना हो और वो दोनों मिलकर गेम को जीत जाएं। इस गेम के अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन तभी इसी गेम के अंदर आरिशु भी आ जाता है। आरिशु बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें फिजिकल गेम बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ इस फिजिकल गेम में आया और तुम मुझे यहाँ मिल गई। तभी यहाँ पर गेम शुरू हो जाता है और इन सभी को गेम के रूल बताए जाते हैं। इस गेम का नाम चेकमेट होता है। इस गेम में बेगम की टीम पहले से ही होती है जो आरिशु और उसैगी की टीम से खेलने वाली है। बेगम की टीम में केवल 4 सदस्य हैं और आरिशु और उसैगी की टीम में 16 सदस्य हैं। बेगम के बादशाह की टीम की लीडर एक लड़की होती है और वहीं आरिशु और उसैगी की टीम का बादशाह एक छोटे लड़के को बनाया जाता है। इस गेम के रूल बेहद सिंपल होते हैं। सभी खिलाड़ियों के पीठ के पीछे बटन होंगे। बेगम टीम के सभी खिलाड़ी आरिशु और उसैगी की टीम का पीछा करेंगे और खिलाड़ियों के पीठ के पीछे जो बटन लगे होते हैं उन बटन को दबाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो तरह के बटन होते हैं, रेड और ब्लू। बेगम की टीम का रंग लाल होता है।
बेगम टीम के खिलाड़ी अपनी विरोधी टीम के खिलाड़ियों के जितने खिलाड़ियों के बटन दबाएंगे वो सभी खिलाड़ी बेगम टीम में शामिल हो जाएंगे। जब बारी विरोधी टीम की आएगी तब विरोधी टीम वाले बेगम के खिलाड़ियों का पीछा करेंगे और उनके बटनों को दबाने की कोशिश करेंगे, और अगर विरोधी खिलाड़ी बेगम के खिलाड़ियों के बटन दबा देते हैं तो बेगम की टीम के खिलाड़ी विरोधी टीम में शामिल हो जाएंगे, और जो टीम का लीडर होता है वह अपनी टीम को नहीं छोड़ सकता और ना ही दूसरी टीम में जा सकता है। इस तरह से आखिर में जिस भी टीम में बहुत कम खिलाड़ी बचेंगे वो खिलाड़ी मारे जाएंगे। इस तरह से गेम शुरू हो जाता है। बेगम टीम के खिलाड़ी विरोधी टीम का पीछा करते हैं और इससे वे बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में ले लेते हैं, और धीरे धीरे करके बेगम टीम के खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती जाती है। यहाँ पर बेगम की टीम में और भी खिलाड़ी होते हैं, वे बोलते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो बेगम की टीम में आ जाओ क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था। लेकिन आखिर में केवल 3 ही खिलाड़ी बचते हैं विरोधी टीम में, जिसमें आरिशु, उसेगी और छोटा लड़का शामिल हैं। और जो बेगम टीम की लड़की होती है वह बोलती है कि मुझे आरिशु की जरूरत है, मुझे वही लड़का चाहिए, और वो आरिशु का पीछा करने लगती है क्योंकि यह लड़की बोल रही है कि आरिशु मेरे टाइप का है। लेकिन जब वो आरिशु को पकड़ने वाली होती है तभी वहीं पर उसेगी आ जाती है और आरिशु को वहां से भागने के लिए बोल देती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब देखना यह होगा कि उसेगी आरिशु को बेगम की टीम में जाने से बचा पाती है या नहीं। हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।